नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड में अपनी डिटेल कैसे अपडेट कर सकते हैं, और वो भी मिनटों में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अब आधार में आप डिटेल आधार की वेबसाइट से आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन करनी है, myaadhar.uidai.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपको ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पेज खुल जाएगी, जहाँ पे हमें इंटर आधार आपको डालना है, ये कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, जो आपको यहाँ पे इंटर ओटीपी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपको वो इंटर ओटीपी में डालनी है और लॉगिन पे क्लिक करनी है। ठीक है, जब मैंने सेंड ओटीपी पे किया तो इस तरीके से ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुल आ गई। अब यहाँ ओटीपी डाल के मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलेगा। देखिए, यहाँ से आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, वॉलेट साइज के जो आधार हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने आधार को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, यहाँ बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, लॉक और बायोमेट्रिक को अनलॉक कर सकते हैं, ऑफलाइन ई केवाईसी कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री, अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो वो देख सकते हैं, और रिक्वेस्ट, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की है, जैसे मान लीजिए मैं अभी आधार अपडेट करने वाला हूँ तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो वहाँ से मैं प्रोसेस चेक कर सकता हूँ। तो ये आपका आधार के पास आपका अकाउंट है, जैसे जीमेल में आपका अकाउंट होता है, इसी तरीके से आधार के पास ये आपकी अकाउंट खुल गई। देखिए, अब हमें आना है अपडेट आधार ऑनलाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हम यहाँ आते हैं, प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए आपको क्या अपडेट करनी है। तो देखिए, नेम आप सिर्फ दो बार अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक बार अपडेट कर सकते हैं, जेंडर एक बार अपडेट कर सकते हैं। नाम दो बार अपडेट करने के पीछे रीजन रहा होगा कि जैसे जनरली बच्चे में जिसका आधार बनता है, तो मान लीजिए किसी का नाम केशव है तो उसने केशव के नाम से आधार बनवा लिया, बाद में जब पढ़ाई करने लगा तो अपने फादर का नेम जैसे केशव कुमार या केशव प्रसाद उसको ऐड करना था, पैन कार्ड तो केशव प्रसाद के नाम से बन गया, आधार में केशव ही रह गया, तो एक बार तो तब ऐड हो सकता है। और लेडीज के केस में जनरली क्या होता है कि शादी के बाद नेम चेंज हो जाती है, तो दो बार यहाँ पे आधार अपडेट की ऑप्शन देती है। बट जो भी लॉजिक रहा हो, आपकी लिमिट यही है, दो अपडेट, डेट ऑफ बर्थ में एक अपडेट और जेंडर में एक अपडेट। बट इसके बाद भी अगर आपको अपडेट करना, मान लीजिए आपको नाम तीसरी बार अपडेट कराना है, तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि दो के बाद नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, आपको UIDAI मतलब आधार के रीजनल ऑफिस में जाके वो करवाना होगा। मैं डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे मैंने क्लिक किया और प्रोसीड टू अपडेट आधार पे गया। अब यहाँ करंट डेट 11007 दिख रहा है। अब ये जनरली जब आधार बनी थी तो बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, अब हमें इसे चेंज करके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यू डेट ऑफ बर्थ टू बी अपडेटेड, इस पर आप क्लिक करके जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी तो लगाइए, क्योंकि ऑनलाइन तो आप कुछ भी डाल देंगे। देखिए, प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी का बोर्ड का मार्कशीट दे सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, STC TC विथ नेम DOB, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम EPFO डाल सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट लेके डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोर्ड का मार्कशीट लगा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड के मार्कशीट पे क्लिक कर दूंगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या है, इसको ओके पे यहाँ पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करनी है। तो इसमें क्या है, यहाँ तो कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद मैं जो डॉक्यूमेंट है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसको कट करके दूसरा करना है तो यहाँ क्लियर पे आप कट करके फिर से आप इसे कर सकते हैं। देखिए, इसे आप थोड़ा सा अगर देखना चाहे तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं क्या मैंने अपलोड किया। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज आएगा कि आप डेट ऑफ बर्थ को इस डेट से चेंज करना चाहते हैं, ये नया डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर यस है तो ओके कीजिए। ओके करने के बाद अब आप जाएंगे पेमेंट पेज पर।
पेमेंट पेज पे आपको थोड़ा सा एक नॉमिनल पेमेंट करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको अलाउ यूडीआई को, इस दोनों को अलाउ अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको ₹50 की पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक टिक कर देनी है, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करनी है। आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस मोड से यहाँ पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको देखिए इस तरीके से आपको डाउनलोड एक्नोलॉजमेंट करके आ जाएगा। अब आप अपना एक्नोलॉजमेंट डाउनलोड करके रख सकते हैं। देखिए एक्नोलॉजमेंट स्लिप में क्या क्या डिटेल रहती है, तो ये आधार नंबर हो गया, URN, इनवॉइस नंबर, अमाउंट कितना पेड किया और कब आपने पेमेंट किए उसकी डिटेल, और क्या आपने रिक्वेस्ट किया है, तो डेट ऑफ बर्थ की आपने करेक्शन रिक्वेस्ट करी है। दोस्तों इसके साथ ही देखिए ये SRN नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप देखिए गो टू डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट में दिख रहा है कि आधार अपडेट की आपने सर्विसेस ली थी और वो अभी वेरिफिकेशन स्टेज पे है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा अच्छे तरीके से तो आपका आधार अपडेट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैं अपडेटेड आधार कैसे देखूं या कैसे करूं, सिंपल चीज है, फिर से आप लॉगिन कीजिएगा, यहाँ डाउनलोड आधार करके आप देख सकते हैं। अगर आपको PVC कार्ड मंगाना है तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आधार PVC वो आपके पास आ जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है, आई होप कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।